सकते हैं कितना शानदार ब्रिज है ये, जिसके टॉप से आप पूरा नजारा देख सकते हैं। पांच नदियों का ये जो संगम है, इसको रामायण और महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं इसकी तारीफ के लिए। इतनी बढ़िया जगह है, आप इत्मीनान से बैठ करके यहाँ का नजारा का आनंद ले सकते हैं। मराठी का पहला आद्य ग्रंथ लिखा था। सुप्रभात गाइस, स्वागत है, अभिनंदन है मेरे एक और व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ अम्बोरा, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही तेज़ी से उभरता पर्यटन है। और इसके दो रूट है, नागपुर रूट भी है, भंडारा रूट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी वे और सुविधाजनक जो रास्ता है वो भंडारा वाला है, तो मैं भंडारा वाले रूट को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अम्बोरा और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर नया। तो अभी हम लोग अम्बोरा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहां से और 4 किलोमीटर बाकी है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बोरा और सामने नज़ारा रहा है खूबसूरत सा ब्रिज। और कार को फ़िलहाल हम लोग यहीं पे पार्क कर देते हैं। मैंने यहां पे कार पार्क कर दी है और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, शानदार ब्रिज है यहाँ पर पे। और यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, कार वगैरह नहीं जा सकती, इसलिए हम लोगों को भी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप बाइक से हैं तो डायरेक्ट मंदिर तक पहुँच सकते हैं इस रूट से, क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए फ़िलहाल अभी कार के लिए ये आवाजाही यहाँ पे बंद है। तो गाइस देख सकते हैं कितना शानदार ब्रिज है ये, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया लगी हुई है और दिल खुश हो गया एकदम। गाँव से जस्ट लगा हुआ ब्रिज है और साइड में इस टाइप के फुटपाथ मिल जाएंगे, तो दोनों साइड में इस तरह के फुटपाथ बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। और इसी खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग पुल से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम दिल खुश हो गया। और ये पुल जो है लक्ष्मण झूला राम झूला की तरह बनाया गया है। तो अम्बोरा जाना जाता है अपनी 5 नदियों के संगम के कारण, जो है बैनगंगा, कोलारी, आम, मुरजा, कन्हान। इन 5 नदियों के संगम के बीच में बसा है ये महादेव का मंदिर, चैतनेश्वर महादेव। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिज का ये शीर्ष, जहाँ पर दर्शक दीर्घा बनाई गई है, यानी कि व्यूज़ वगैरह देखने के लिए यहाँ पर गैलरी बनाई गई है, जिसके टॉप से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, पूरी खूबसूरती देख सकते हैं। और इस पुल की खासियत भी देख सकते हैं, दोनों साइड में यहाँ पर पे आपको फुटपाथ मिल जाएगा, जो पदयात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। वाओ यार, यहाँ पर पे बोटिंग वगैरह भी चालू है, कितना बढ़िया लोग एंजॉय कर रहे हैं। 5 नदियों का ये जो संगम है, इसको रामायण और महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है। ऐसी धारणा है कि जब राम को वनवास मिला था तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों इसी नदी के मार्ग से होते हुए अपनी यात्रा तय किए थे। और महाभारत काल से देखा जाए तो जब पांडवों का निष्कासन हुआ था तो उन्होंने भी इस क्षेत्र में कुछ समय अपना व्यतीत किए थे, इस क्षेत्र में कुछ समय बिताए थे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और ये है सामने चैतनेश्वर महादेव का मंदिर। और साइड में ही देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है ये। और उस साइड में देख सकते हैं मेरे मछुआरे वगैरह की नाव वहाँ पर पे दिख रही है, यहाँ पे मछली वगैरह भी पकड़ते हैं लोग। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और इतना मन प्रफुल्लित हो गया, इसके लिए कोई शब्द नहीं इसकी तारीफ के लिए, इतनी बढ़िया जगह है। और मैं आपको इस साइड का भी सीन दिखाता हूँ, कितना ज़बरदस्त सीन है। तो गैस व्यू देखने के लिए बढ़िया सी यहाँ पर पे दोनों साइड में बेंच लगे हुए हैं, आप इत्मीनान से बैठ करके यहाँ पे नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। और अब तक जो है अम्बोरा इतिहास के पन्नों में अनभिज्ञ था और अभी अभी इसका जो है महाराष्ट्र में पर्यटन के रूप में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। जब से ये पुल बना है ना, तब से तो और भी ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ गया है। तो गैस अभी मैं मंदिर परिसर में आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह चैतनेश्वर महादेव का मंदिर। और इस साइड में देख सकते हैं हरिनाथ मंदिर, हरिनाथ
जिनके शिष्य रघुनाथ और उनके शिष्य मुकुंदराज। तो मुकुंदराज जी ने इसी समाधि के सामने बैठ करके यहाँ का मराठी का पहला ग्रंथ लिखा था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा बाद में। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। गाइस अभी ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है श्री हरिनाथ मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं। और ये जो समाधि देख रहे हैं ना, ये है श्री हरिनाथ और उनके शिष्य रघुनाथ जी की, यानी गुरु शिष्य की समाधि है। और इसी समाधि के पास बैठ करके रघुनाथ जी के शिष्य यानी मुकुंदराज जी ने मराठी का पहला आद्य ग्रंथ लिखा था, विवेक सिंधु। तो गाइज ये था मेरा वीडियो अम्बोरा पर्यटन पे। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और इस वीडियो का एंड भी मैं इस खूबसूरत नज़ारों के साथ कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आगे भी आप तक पहुँच पाएंगे मेरे। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।